राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस बात का बेसब्री से इंतजार था, लगता है वो अब आ चुका है, यानी खत्म होने वाला है। अब इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बाबा बालकनाथ का नाम राजस्थान के नए मुख्यमंत्री पद के लिए फाइनल किया जा चुका है। हालांकि आलाकमान फिलहाल इस बात को अभी तक मीडिया में आना बाकी है, लेकिन इसे एक कयास मात्र ही समझा जा सकता है, क्योंकि अभी वहां विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद बीजेपी नए सीएम के चेहरे का ऐलान करेगी। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबा बालकनाथ के जिस रोहतक मठ से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर भारी स्वागत की तैयारियां तेज हैं। लड्डू बनाए जाने लगे हैं और एक साथ कई कारीगर इस काम में तेजी से जुट चुके हैं। चर्चाएं हैं कि ये उस जश्न की तैयारी है जब योगी बालकनाथ के नाम की घोषणा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर की जाएगी। अब इस बात को तवज्जो इस बात से भी लगाया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता इसको लेकर अपनी भविष्यवाणी कर चुके हैं। जी हाँ, संसद से निकलते समय ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मिलिए ये राजस्थान के अगले सीएम बनने वाले हैं। सुनिए आखिर अधीर रंजन ने उस दौरान क्या कहा था। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। इधर मठ में लड्डू बनाने का काम जारी है। देसी घी से तैयार खास लड्डुओं से सभी का मुंह मीठा करवाया जाएगा। बाबा बालकनाथ रोहतक के अस्थल बोहर में स्थित मस्तनाथ मठ के महंत हैं। इनके अनुयायी इस बात की बेताबी से इंतजार में हैं कि दिल्ली से जयपुर में बाबा बालकनाथ के बाद फोन कॉल जाए और उन्हें सीएम पद से नवाजा जाए। हालांकि बालकनाथ ने अपने एक ट्वीट के जरिए इस बात से इनकार कर दिया है कि वो सीएम रेस में शामिल है। बता दें कि राजस्थान में सीएम बनना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि वहां वसुंधरा राजे जो पहले से ही दावेदार थी, वो इसके पहले मुख्यमंत्री की सत्ता संभाल चुकी है। उनके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी इस लड़ाई में शामिल हैं, जैसे कि गजेंद्र शेखावत। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ आते हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के गुरु भी एक सांसद रहे, उसी तरीके से योगी बालकनाथ के गुरु चांदनाथ भी सांसद रहे हैं। इनमें योगी आदित्यनाथ की ही छवि देखी जाती है। सीएम पद के लिए इनके नाम की घोषणा से पहले ही इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि मीडिया में महज ये कयास ही है कि बालकनाथ योगी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल संभावित नामों में ही केवल बालकनाथ का नाम है। देखना होगा कि विधायक दल की बैठक के बाद बालकनाथ या फिर किसी और के नाम पर मुहर लगाती है बीजेपी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।